आज तो बहुत लेट हो रहे हैं, बैकपैक भी नहीं हुआ अभी तो। उसके बाद मैम ने कहा है कि आज हमें नई जगह लेके जाएंगी जादू से, तो अभी मैं फटाफट निकल जाती हूँ। जादू से ही जाना पड़ेगा लगता है आज तो अपने स्कूल। चलो। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? जादू से आए हो? आए तो तुम बस से हो। हाँ, और ये क्या चल रहा है कि टीचर जादू करके कुछ कहीं लेके जाएगी? वो किसने कहा कि तुम्हें जादू करके लेके जाएगी? तुम्हें पता नहीं आज क्या हो रहा है क्लास में? आज मैं तुम्हें अपनी स्कूल की मेमोरीज बताऊंगी, ऐसी मेमोरीज जो हमारे टीचरों ने हमें बहुत हंसाया है कह कह के। तो चलो मैं तुम्हें वही सुनाती हूँ। यहाँ कोई जादू वादू नहीं हो रहा, जोक्स हो रहे हैं जो हमारे टीचर हमें बोलते थे स्कूल में, वही अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, और यहाँ पर कोई शोर नहीं होगा, कोई मुझे मछली मार्केट नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सुन लिया तुम सबने? तो एक हमारी ज्योग्राफी की टीचर होती थी, वो कहती थी ब्रिंग दी वर्ल्ड मैप ऑफ इंडिया। अब हम बेचारे उस समय बच्चे थे, हम डर जाते थे भाई ये वर्ल्ड मैप भी लेके आना है और वो भी इंडिया का, तो ये कौन सी दुकान में मिलेगा इंडिया का वर्ल्ड मैप? या तो इंडिया का मैप मिलेगा या फिर वर्ल्ड का। और एक टीचर थे बड़े मज़ेदार, वो कहते थे आई हैव टू डॉटर्स एंड बोथ आर गर्ल्स। अब ये डॉटर है तुम्हारी तो वो लड़कियाँ ही होंगी ना, लड़के होंगे क्या? ये क्या डॉटर्स लड़की नहीं होंगी और सन डॉटर्स होंगे, कुछ ऐसा सिस्टम भी था क्या? वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया मेरे टीचर का। शुक्र है तुम्हारे टीचर तुम्हें नहीं कहते। फिर एक टीचर होते थे, वो कहते थे आई विल टेक अ सरप्राइज टेस्ट ऑफ चैप्टर टू ऑन मंडे। भाई तुमने सब बता दिया कि तुम मंडे को चैप्टर टू का टेस्ट लोगे, वो सरप्राइज किस बात का रह गया? हमारे टीचर मतलब सरप्राइज भी ढंग से नहीं दे पाते थे। वैसे तुम्हारा भी सरप्राइज टेस्ट होने वाला है अगले हफ्ते, तैयार है ना? चैप्टर नहीं बताऊंगी मैं। और फिर क्या कहते थे एक हमारे टीचर, हमें 11-12 की एंट्रेंस के पहले हमें 9-10 में एक टीचर आते थे सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए। वो तो ओहो उनकी डांट सुनो, खिड़की के बाहर हम झांके तो कहते क्या थे, वाई आर यू लुकिंग आउटसाइड एंड डी मॉन्की व्हेन आई एम इनसाइड। सर आप क्या मॉन्की हो जो आप कह रहे हो कि हम बाहर वाले मॉन्की को छोड़ के आपको देखें? आज तक समझ नहीं आया, आज तक। तुम्हारी भी क्लास में कोई ऐसा टीचर आता है क्या पढ़ाने? हमारे स्टाफ रूम में तो ऐसी बातें चलती नहीं है, तुम ही बता दो। एक और मज़ेदार बात सुनाती हूँ मेरे टीचर की। एक और टीचर होती थी, वो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतनी इनोसेंट थी या डांट मारते हुए उनको कुछ समझ नहीं आता था। वो कहती थी यू बेटर स्टॉप टॉकिंग और एल्स आई विल गो आउटसाइड एंड स्टैंड। मैम उसमें भी फ़ायदा तो बच्चों का ही हो रहा है ना, वो तो मस्ती करेंगे जो अभी भी मस्ती कर रहे हैं, आप चले जाओगे तो और भी मस्ती करेंगे, पनिशमेंट तो बच्चों को मिलनी चाहिए, तो टीचर को क्यों दे रहे हो? एक और हमारे टीचर थे, उनको पता नहीं क्या होता था, वो कहते थे गिव मी अ रेड पेन ऑफ एनी कलर। भाई सर आपको रेड पेन ऊपर के कवर से चाहिए या अंदर के इंक से रेड चाहिए? हमारी क्लास में एक बच्चा था, एक दिन उस सर को उसने कहा सर मेरे पास रेड कलर का पेन तो है पर इंक ब्लू है, चलेगा आपको? मतलब बच्चे भी पूरी मस्ती लेते थे उस टीचर की, क्या ही बोलूँ मैं। फिर हमारे एक और होते थे टीचर, वो कहते थे मतलब उन्हें हवा पसंद थी या विंडो पसंद थी पता नहीं, वो कहते थे ओपन द एयर एंड लेट द विंडो कम इन। हम उनको बोले आओ जी विंडो जी, पधारो जी, आपको खोल के आप ही को अंदर बुलाते हैं, हवा तो दूर की बात है। ऐसे मज़ेदार किस्से होते थे हमारी क्लास में। तुम्हारी क्लास तो कितनी बोरिंग हो गई ना जब से ऑनलाइन हुई है। जैसे अभी तो तुम ऑनलाइन क्लास में जब मन करे तब पानी पी रहे हो ना, वो देखो। हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे हम उनसे पूछे ना मैम कैन वी ड्रिंक वाटर, मैम कहती थी हाउ डेयर यू आस्क इट। तो अब इसमें हम पानी पिए या ना पिए, और उसके बाद फिर मैम पूछती थी पानी क्यों पीना है? मैम आप साइंस के टीचर हो, आपको क्यों नहीं पता पानी क्यों नहीं मतलब क्यों पीना है? हमें पता होना चाहिए भाई, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एक टीचर थी, उनका कहने का आज पता लगा, मतलब वो कहना मतलब वो वैसा क्यों कहती थी वो आज पता लगा। वो कहती थी
डोंट पोर अ पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर एक्सेट्रा फ्रॉम योर फ्रेंड्स. आप पता लगा, अगर हम उस समय बोरो कर लेते तो कोरोना उस समय आता. अब पता लगा, इसलिए तुम सब मास्क पहन के रखो, सैनिटाइजर यूज़ करो और बोरो नहीं करना, समझे? और क्या है, आत्मनिर्भर भारत, इसलिए खुद लेके आना है इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, पेन, बुक, नोटबुक, जो भी है, ठीक है? मेरी क्लास में ये सब नौटंकी नहीं चलेगी बाद में. और तुम्हारे साथ तो ये होता ही होगा ना, जैसे हमारे साथ भी होता था. हमारे टीचर, मतलब जो टीचर को सब्सटीट्यूशन मिल जाए उसको तो ऐसे जैसे लॉटरी लग गई हो. वो टीचर बोलता था, आज का ये सब्सटीट्यूशन क्लास मैंने ले ली है, तो क्या होगा, तुम्हारा अगले क्लास भी मेरे साथ है, अगली से अगली तुम्हारी सब्सटीट्यूशन थी वो भी मैंने ले ली, तो हम आज 3 पीरियड मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो फटाफट चैप्टर 5 निकाल के पॉलिनोमियल सॉल्व करना शुरू करो. हे भगवान, सर आप 3-3 मैथ्स के पीरियड क्या करोगे? पॉलिनोमियल्स ना हमारी ज़िंदगी में काम आने, ना त्रिगुण काम आने अभी. भाई सर, हमने तो ह्यूमैनिटीज़ लेनी है या फिर कुछ और, अभी तो वो भी नहीं बचा. क्या ह्यूमैनिटीज़, क्या साइंस, क्या कॉमर्स. चलो आज की क्लास ख़त्म करने के पहले मैं तुम्हें एक लास्ट जोक सुनाती हूँ. हमारे टीचर बोलते थे, मतलब हम ए सेक्शन में थे, ए सेक्शन यानी कि सबसे अच्छे बच्चों का सेक्शन, बी में थोड़े कम अच्छे और सी में, ठीक है, समझे ना? तो फिर हमें भी ए सेक्शन वालों को भी मैम कहती थी, दिस इज द वर्स्ट सेक्शन एवर. पर अभी तो हम बी और सी वालों से पूछ के आए हैं, उन्हें भी तो यही कहते हो, और ए बी सी के सिवाय तो और कोई सेक्शन ही नहीं है. सो हमारा वर्स्ट है, बी का वर्स्ट है, सी का वर्स्ट है, तो अच्छा कौन है भाई? हमारे स्कूल की यादें, तुम भी क्या याद करोगे स्कूल से निकलने के बाद, संभाल के रखो. और हाँ, बच के रहना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना इस क्लास को, ठीक है ना?